मैं आज दरबार क्या नहीं गया, उसका ऐसा फायदा उठाया इस तिकड़ी ने कि महाराज को ये विश्वास दिला दिया कि मैं शतरंज का उस्ताद हूँ और सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलता हूँ, और ये भी कि मैं आज अपने एक दोस्त के पास शतरंज खेलने ही गया था। आपको किसने बताया ये सब? गोपाल ने। आती बार मैं उसे भी और एक दो दूसरे दरबारियों के घरों से होकर आया था, वहीं से मालूम पड़ा मुझे। अच्छा, ऐसी ओछी हरकतों पर उतर गया है हमारा मामा राजगुरु। इस मामा राजगुरु को तो मैं ऐसा सबक पढ़ाऊंगा, ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि याद रखेगा, इसने ठीक नहीं किया। आप फिक्र मत करो जी, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। तुम सोचती हो मैं दरबार जाना छोड़ दूंगा? कैसे जाओगे, महाराज ने तो कह दिया है अब अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या महाराज के हुक्म के खिलाफ जाओगे? नहीं। तो फिर? तो नहीं दिखाऊंगा उन्हें अपनी शक्ल। दरबार भी जाओगे, शक्ल भी नहीं दिखाओगे, ये कैसे मुमकिन है? कल तुम दरबार तो लगने दो, फिर बताऊंगा। पिताश्री, ये क्या आप अकेले ही शतरंज की बिसात बिछाए बैठे हैं? मोहनागी बेटी, हमने तो बिसात बिछाई थी कि हम तैनाली के साथ खेलेंगे, मगर वो कमबख्त खेलना ही नहीं चाहता था। इतनी हिम्मत उसकी? क्या कहा, क्यों नहीं खेलना चाहता था? कहता है मुझे शतरंज खेलनी ही नहीं आती। झूठ बोलने की जुर्रत कैसे हुई उसकी? पिताश्री, शतरंज ऐसा खेल है जिसका खिलाड़ी अगर वक्त हो उसके पास तो मना कर ही नहीं सकता। क्या मतलब? हो सकता है वो ठीक ही कह रहा हो, मगर मुझे मालूम पड़ा है कि वो बहुत माहिर है, शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी है। किससे मालूम पड़ा आपको? कुछ दरबारियों ने बताया। ये भी तो हो सकता है पिताश्री कि उन्होंने आपको ये सोचकर झूठ बोला हो कि आप उस पर नाराज होंगी। तेनाली राम जी से जलने वालों की कमी तो है नहीं। हो सकता है बेटी कि तुम ठीक कह रही हो। और फिर तेनाली राम जी जैसे आदमी कभी इतना बड़ा झूठ ऐसे नहीं बोलते कि कल को उनका झूठ पकड़ा जाए। हाँ, ये भी ठीक है। तेनाली राम जी अगर नहीं खेलना चाहते थे या वक्त नहीं देना चाहते थे तो बड़ा आसान था पिताश्री, खेलना शुरू करते और दो चार चाले ऐसी चलते कि उनकी मात हो जाती, बस उनका काम भी बन जाता और आपकी सजा का डर भी ना रहता। शायद तुम ठीक कह रही हो। क्या हो रहा है? हाँ तो सिपे सालार, क्या फिर सोचा कुछ नया? किस बारे में हुजूर? अरे तुम ये भूल जाते हो कि हमारा अहम दुश्मन कौन है, कौन हमारी फतह के रास्ते में चट्टान बना बैठा है, कौन है जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, और हम तो क्या उसके साथ ही राज दरबारी भी उसे नेस्त नाबूद नहीं कर पा रहे हैं। ओहो, तो आप तेनाली राम की बात कर रहे हैं? हाँ, वही तो है जो विजयनगर पर हमारे परचम फहराने की कोशिशों को नाकाम कर रहा है। बादशाह सलामत, अभी तक तो हम अपनी पुरानी चाल ही चल रहे हैं। मेरा मतलब है
उसको विजयनगर दरबार से निकलवाने की कोशिश। मगर जादूगर बाबा वाले हादसे के बाद तो अब मुझे यकीन हो चला है कि ये सोच, ये चाहत, ये उम्मीद एक छलावा है, पानी के बुलबुले को पकड़ने की कोशिश है और रेत का घर बनाने जैसी मशक्कत है। फिर क्या किया जाए? कत्ल करवाने के हक में आप नहीं है, उसे दरबार से बकौल आपके भी निकलवाया नहीं जा सकता। रिश्वत वो कमबख्त लेगा नहीं, वो विजयनगर छोड़कर नहीं जा सकता। फिर आखिरी रास्ता उसके खुद ब खुद दुनिया छोड़कर जाने की उम्र नहीं है, और वैसे भी सेहत ठीक ठाक है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। हम सोच रहे हैं कुछ नया, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी से आपका मतलब तेनालीराम से है? नहीं, अपनी रियासत की हिफाजत से है। और मैं समझा वो जो दो दिन पहले मैंने आपको तेनाली की तारीफ करते देखा था, आप उसकी खैर ख्वाह हो गए। सिपे सालार, एक बात याद रखना, एक बादशाह की फतेह के रास्ते में अगर उसका सगा भाई भी आता है तो कोई भी बादशाह उसको दुश्मन पहले समझेगा, भाई बाद में, और फिर ये तो अक्लमंद दुश्मन है। महामंत्री जी, ये कौन बदतमीज है? पता नहीं, चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, मगर जिस्म की बनावट कुछ जानी पहचानी है। अरे कौन हो तुम? महाराज, आपने पहचाना नहीं, मैं तो आपका प्यारा सेवक हूँ। तो तुम तैनाली हो? जी महाराज। ये क्या हिमाकत है? ये सर पर घड़ा क्यों डाल रखा है? महाराज, आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। कौन सा हुक्म? आपने ही तो कहा था महाराज कि कल दरबार में अपनी शक्ल मत दिखाना। ओ हाँ। चलो अब बस करो, बस करो, बस करो ये बचकानी बातें, और ये मटका उठा दो अपने सर से। तो आपने मुझे माफ कर दिया महाराज? नहीं, अब तुम्हें एक काम करके दिखाना होगा। वो क्या? तेनाली, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां देता हूं। हां, तुम्हें ही क्यों, राजगुरु, वजीरे हिफाजत और वजीरे खजाना और दूसरे दरबारियों को भी, जिन्होंने कहा था कि तुम्हें शतरंज खेलनी आती है, तुम्हें और उन सबको 1 हफ्ते में उन्हें खर्च कर देना है। मगर एक शर्त है। वो क्या? उन्हें खर्च करने से पहले तुम्हें मेरी शक्ल देखनी होगी। आज से 7वें दिन आप सब इन अशर्फियों का हिसाब देंगे। जो खर्च नहीं कर पाएगा उसे ये अशर्फियां वापस करनी होंगी। और जो खर्च कर देगा महाराज?
वो उसका इनाम होगा। रक्षा मंत्री जी, मेरी समझ में दो बातें नहीं आ रही। कौन सी दो बातें? पहली तो ये कि महाराज ने उसे माफ क्यों कर दिया। हाँ, महाराज ऐसी बात कहने के बाद अक्सर उस पर कायम रहते हैं। हो सकता है खड़ा मुंह पर देखकर उसका मस्खरापन भाग गया हो महाराज को। पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है महाराज पर। हाँ राजगुरु जी, कुछ तो है। अब क्या क्या जा सकता है। खैर, और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात है कि उन्होंने ये अशर्फियां तेनाली के अलावा उन सबको क्यों दी जिन्होंने उस दिन दरबार में कहा था कि तेनाली को शतरंज खेलना आता है। बात तो सोचने की है। मुझे लगता है महाराज को किसी ने ये विश्वास दिलाया है कि तेनाली सच कह रहा था और हमने झूठ बोला था, फिर उन्होंने इसी वजह से हमें इस चक्कर में डाला है। फिर ऐसी बेतुकी शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? क्या मतलब? हुआ यूं कि आज मैं एक सुनार को साथ लेकर महाराज के महल में गया। सुनार को साथ लेकर? लेकिन क्यों? ताकि महाराज का चेहरा देखकर सुनार से सोने के गहने खरीद सकूं। वाह, ख्याल तो बड़ा अच्छा आया था, मगर फायदा ही तो नहीं हुआ। क्यों? महाराज ने कहलवा दिया कि उनकी तबीयत नासाज है, वो 3-4 दिन तक किसी से मिल नहीं सकेंगे। फिर तो कोई भी खर्च नहीं कर पाएगा। पता नहीं ये कमबख्त कैसे कैसे चक्करों में फंसा देता है हमें। राजगुरु, चक्कर तो ये आप ही का चलाया हुआ है। पिताश्री, अब तेनाली राम जी दरबार में कैसे आ पाएंगे? पिताश्री, आप हंस रहे हैं। और क्या, तुमने बात ही ऐसे की है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कहा है? मेरा मतलब तो यही था कि आपने तेनाली राम जी को अपनी शक्ल ना दिखाने की आज्ञा दे दी है, तो वो दरबार में कैसे आ पाएंगे? वो कमबख्त तेनाली राम कल ही आ गया था दरबार में। आपकी आज्ञा की अवहेलना? ना, वो दरबार में आया भी और मेरे हुक्म की तामील भी की। वो कैसे? वो ऐसे बेटी, मैंने उसे दरबार में आने से मना नहीं किया था, मैंने तो उसे अपनी शक्ल मुझे ना दिखाने को कहा था, तो वो कल अपने सर पर एक मटका रखकर आ गया जिसमें आंखों के सामने दो बड़े बड़े छेद थे। और ये सब देखकर आप हंस पड़े और उन्हें माफ कर दिया। और क्या करता बेटी, फिर तुम्हारी बात सुनकर मैंने कुछ अपने खास जासूसों से तहकीकात करवाई, तो ये मालूम पड़ा कि हमें तेनाली राम के खिलाफ भड़काने की कोशिश थी। फिर तो आपने कुछ ऐसा किया होगा कि तेनाली राम जी को कुछ धन की भी प्राप्ति हो जाए। मोहनागी, सच तुम हमें अच्छी तरह से समझती हो। वो तो ठीक है पिताश्री, मगर आपने किया क्या? मैंने 1000 अशर्फियां पाने का मौका दिया। कल मालूम पड़ेगा कि वो इस मौके का फायदा उठा पाता है या नहीं। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बस ऐसे ही ख्याल आया, आज तुम्हें कुछ गहने बनवा दूं। हाँ?
हाँ, कुछ कपड़े ले दो। क्यों, क्या फिर से कुछ मिला है महाराज से? मिला तो है। तो फिर उसे हमेशा की तरह छिपा कर क्यों नहीं रख देते? नहीं, महाराज का हुक्म है कि इसे खर्च करना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुक्म दिया है महाराज ने, मैं अब भी तैयार होती हूँ। लेकिन दुख तो इस बात का है, जमा ना हो पाई, खर्च हो जाएंगी। फिक्र मत करो, खर्च भी होंगी और जोड़ी भी जाएंगी। आप लोगों को एक एक हजार अशर्फी दिए हुए 7 दिन पूरे हो गए। अब हर कोई हिसाब दे किसने कितने खर्च किए। राजगुरु जी, पहले आप ही बताइए। महाराज, आपने खर्च करने ही कहा दिए। क्यों, मैंने कब मना किया तुम्हें? महाराज, मैं 4 रोज पहले सुनार को लेकर राजमहल गया था ताकि आपका चेहरा देखकर उसे अशर्फियां दे सकूं, मगर महाराज आप मिले ही नहीं। वजीरे हिफाजत, आप बताइए। महाराज, आपकी शक्ल देखे बगैर कैसे खर्च कर सकते थे? वजीरे खजाना, आप? महाराज, आप इन 7 दिनों में ना तो दरबार में आए और ना ही महल में आने दिया। तो किसी ने खर्च नहीं किए? जी महाराज। तो तेनाली राम, इस बार तुम भी खर्च नहीं कर पाए। महाराज, मेरे साथ तो ज्यादती हो गई। क्यों, क्या हुआ? महाराज, मैं अपनी बीवी को गहने लेकर देने के लिए सुनार की दुकान पर गया। फिर क्या हुआ? बीवी ने 2000 अशर्फी के गहने ले लिए। तो ले दो 2000 अशर्फी के गहने। महाराज, 1000 अशर्फिया तो जो आपने दी थी मैंने वो सुनार को दे दी, और बाकी 1000 अशर्फिया अभी उधार है जो देनी है। तेनाली, हमारी दी हुई 1000 शर्फिया कैसे खर्च की तुमने शर्त पूरी किए बगैर? महाराज, मैंने शर्त पूरी करके ही सुनार को 1000 अशर्फिया दी। झूठ बोल रहे हो तुम, हमें मिले ही कहां हो तुम इन 7 दिनों में? महाराज, शर्त आपसे मिलने की नहीं थी, आपकी शक्ल देखकर खर्चा करने की थी। सो मैंने सुनार को देने से पहले हर अशर्फी पर आपकी बनी शक्ल देखी थी महाराज। अशर्फियों पर तो हमारा चेहरा गुदा होता ही है। बहुत खूब, बहुत खूब। वजीरे खजाना। जी महाराज। बाकी सबसे 1000 अशर्फियां वापिस ले लीजिए, और तेनाली राम जी को 1000 अशर्फियां और दे दीजिए। इस कमबख्त ने एक भी अशर्फी खर्च नहीं की होगी। हाँ, दिमाग तो खर्चा है ना। हाँ,
था।